वो डाक बंगला। पैसे का लोभ हर किसी को होता है, पर अत्यधिक लोभ आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रामदास उस बंगले से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे और उन्हें यह बंगला सस्ते मूल्य पर मिल चुका था। इतना बड़ा बंगला वो भी इतनी कम कीमत में इन्हें मिल चुका था, जिसके कारण इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह बात तो बिल्कुल सच थी कि बंगला बहुत ही बड़ा था। इस बंगले के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष थे, मानो कि पूरा बंगला जंगल में समाया हुआ था। बंगले की दीवारों पर से प्लास्टर यहाँ वहाँ से उखड़ गए थे। बंगले के छत के ऊपर तक लताएं पहुँची हुई थी, जिससे बंगला और भी डरावना लगता था। रामदास की पत्नी, जिनका नाम राधिका था, उन्हें भी यह बंगला बेहद पसंद आया। वे जानते थे कि बस इस बंगले को साफ करने की जरूरत है, उसके बाद तो यह अच्छा लगेगा देखने में। क्योंकि इतना बड़ा बंगला हमें मिल चुका है, मेरी तकदीर अच्छी थी कि ये बंगला हमें मिला, और इस बात से वे दोनों बहुत खुश थे। पर वे लोग इस बंगले की सच्चाई से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे कि ये बंगला कितना खतरनाक है। एक हफ्ते बाद उन्होंने सारी तैयारी कर ली, बंगले को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया और एक रहने लायक बना दिया। एक बार की बात है कि जब रामदास काम पर से होकर अपने घर को आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली और उनसे कहने लगी कि लगता है तुम उसी डाक बंगले में रहते हो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। यह कहकर वहाँ से चली गई। रामदास को बुढ़िया की बातों पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा शायद ये पागल है जो बहकी बहकी बातें कर रही थी। उस दिन जब वे अपने घर को लौटे तो रात को बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वे इधर उधर करवटें बदल रहे थे। जब उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तब वे बिस्तर से उठकर छत पर चले गए। रात काफी हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रामदास को नींद नहीं आ रही थी, इसी कारण बस वे छत पर खुली हवा में चले गए। कुछ समय पश्चात अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई काली सी परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर गई हो। रामदास घबरा गए और वे अपनी आंखों को मलने लगे, और उसके बाद उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद ये मेरी थकान की वजह से हो रहा है, अब जाकर मुझे सोना चाहिए, और वे सोने के लिए नीचे अपने कमरे में चले गए। नींद तो उन्हें आ गई थी, पर तभी फिर से उनकी आंखें खुल गई और वे उठ गए। रात काफी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़की की तरफ जल रही दीपक थोड़ी सी रोशनी दे रही थी, लेकिन फिर भी अंधेरा था। अचानक उन्हें अपने छत पर किसी की चलने की आहट सुनाई दी। रामदास को लगा कि आखिर कौन हो सकता है, और वो देखने के लिए ऊपर चले गए, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। तभी रामदास ने अपनी टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगे। तभी रामदास को अपने छत के एक कोने में काठ का एक बक्सा दिखा, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उन्हें लगा आखिर यह बक्सा किसका हो सकता है, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। उस बक्से की चाबी नहीं थी, इसलिए रामदास ने उस ताले को तोड़ दिया। ताले के टूटने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी राधिका भी जाग गई और ऊपर छत पर आ गई, और रामदास से पूछने लगी कि आप इतनी रात गए ऊपर क्या कर रहे हैं, और यह बक्सा किसका है। रामदास ने कहा कि शांत हो जाओ और ये देखो बक्से में क्या है। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में ढेर सारे सोने चांदी के गहने और जेवरात थे। कुछ समय के लिए तो इनके होश उड़ गए, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे हाथ इतनी बड़ी चीज लगी है। उन्होंने फैसला किया कि हम लोग बिना किसी को बताए आज रात ही यहाँ से चल देंगे, और वे लोग रात को ही जंगल के रास्ते उस बंगले को छोड़कर निकल गए। वे जानते थे जो भी सामान उनका उस बंगले में है, उससे ज्यादा अब इनके पास था। रात के अंधेरे और सन्नाटे में वे दोनों निकल गए थे। सुबह होने ही वाली थी और वे लोग उस बंगले से काफी दूर निकल चुके थे। रामदास ने सोचा कि अगर कोई मेरे हाथ में ये बक्सा देखा तो शायद उसे शक हो सकता है, ऐसा करता हूँ इस बक्से को कहीं छिपा देता हूँ। और उन्होंने उस बक्से को एक गड्ढा करके उसमें डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दी।